तो जो भी साथी मीटिंग में है आप प्लीज पूरी मीटिंग को सुनिएगा। लास्ट दो स्लाइड जो है ना कुछ सीखने का है, कुछ समझने का है, कुछ जानने का है, तो बीच में मीटिंग छोड़ के मत जाइएगा क्योंकि तो आपको थोड़ी सी नुकसान हो जाएगी। यदि आपके टीम से कोई नहीं आया है तो आप यूट्यूब पर लिंक दे दीजिए, हाउसफुल यहाँ हो चुकी है, उस लिंक से आप अपने टीम को जरूर बैठाइए प्रोग्राम में, क्योंकि हमने देखा कि इस महीना के स्टार्टिंग है और शुरुआत के दौर में हमें इस महीने में खास भी करनी है क्योंकि कंपनी के एनिवर्सरी डिजाइन हो चुकी है और एनिवर्सरी में अपने टीम को जिताने के लिए, आपको जीतने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट महीना है अपने पास, सबसे जरूरी का महीना है ये हमारे पास। जुलाई अगस्त सितंबर ये तीन महीना जो होता है, ये तीन महीना हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपके टीम इसमें बैठे तो हम जुलाई में कुछ बड़ा कर सकते हैं। इसको लेकर थोड़ी सी बातचीत हम करेंगे, समय की थोड़ी सी ये है, 2 बजे खत्म हो जाती है मीटिंग। तो सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको दिल से वेलकम करता हूँ, सफलता के राह पे आप सबका स्वागत है। जितनी भी हमारी दीदी हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, आपको मैं क्या बता सकता हूँ, ये भारत देश में रहते हैं, भारत एक माँ है, तो ये दुनिया, ये हिंदुस्तान में सब कुछ आप ही के हाथ में है, सब कुछ आप में है, आप ही शक्ति हैं। जितनी भी हमारी माँ बहन दीदी हमारी जितनी भी हैं, आप ही शक्ति हैं, आप ही के अंदर में शक्ति छुपे हुए। आप जब किचन में होती हैं तो मैं देखता हूँ कल्याणी को किचन में खाना भी पकाती है, कान में मोबाइल भी होती है, बच्चे का ट्यूशन भी होता है, सारा कुछ एक साथ संभाल लेती है, मैं नहीं कर पाता इतना। तो मुझे ये समझ में आता है कि महिलाएं में दुर्गा है, आप ही में लक्ष्मी है, आप ही में लक्ष्मी है और आप ही में सरस्वती है, आप ही हमें नाम दिलाती हैं, आप ही हमें धनवान बनाती हैं और आप ही हमारी शक्ति हैं। तो आपको कौन शक्ति दे सकता है, आपसे तो दुनिया शक्ति लेती है, बस आपको विश्वास करना है कि आप ही दुर्गा हैं, आप ही लक्ष्मी हैं, आप ही सरस्वती हैं, आपको भरोसा करना है। देखिए एक स्कूल की मुंह नहीं देखी थी रावणी देवी ने, विश्वास किया, भरोसा किया तो बिहार की मलकिनी बन गई। एक तस्वीर देखिए ममता बनर्जी की, इनकी संघर्ष बायोग्राफी आप यूट्यूब पर देखिए। जब वहां पे ज्योति वैसी के गवर्नमेंट था, मैं बंगाल में रहता था उस टाइम में, कितने बार इनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ था, कितने बार इनको मार के नाली में फेंक दिया गया था, लेकिन इन्होंने अपने आप को समझी कि मेरे अंदर में ताकत है, मैं दुनिया बदल सकती हूं, और इन्होंने पूरे बंगाल की मलकिनी बन गई। आज इनकी नाम है, विश्वास किया, इन्होंने भरोसा किया। आज सुषमा स्वराज विदेश मंत्री, आज विदेश में जाकर के हिंदुस्तान की कल्चर की झंडा गाड़ दी, आज इसीलिए इनका नाम लिया जाता है। इनको भरोसा था, इनको विश्वास था, ये पहले कुछ नहीं जानती थी, भरोसा करना सीखी। आज सुषमा जी का तस्वीर आ गई, आज इनको तस्वीर देखिए, पूरे दुनिया एक तरफ, पूरे हिंदुस्तान एक तरफ, ये खड़े रह गई। नतीजा ये है कि आज हिंदुस्तान में इनका बोलबाला है, इनका झंडा गड़ा हुआ है। ये गुंजन सक्सेना पहली एयरफोर्स पायलट, यदि ये कर सकती हैं तो फिर हम आपके बिजनेस के डायमंड क्यों नहीं बन सकते हैं, विश्वास करिए, भरोसा करिए। इंदिरा नेवनी पेप्सी कंपनी के सीईओ, एक महिला हाथ में चूड़ी पहनने वाली, यदि ये इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ बन सकती है तो आप क्यों नहीं। आज मनीषा मैम इतनी बड़ी न्यूट्री चार्ज कंपनी की डायरेक्टर, एक सिंपल सी शुरुआत, एक हाउस वाइफ जिन्होंने अपने विश्वास की, भरोसा की, सीखी, समझी, समझाई और आज इतनी बड़ी कंपनी का डायरेक्टर। आज ईशा वशिष्ठ मैम को देखिए, जब पहली बार इनको प्रोग्राम में देखे थे तो हमें लगा कि ये हेल्थ कार्ड वाले ये को बच्चा को क्यों लेके आ गया, लेकिन आज देखिए इनका यूट्यूब पर फॉलोअर देखिए, आज कितनी बड़ी कंपनी को लीड कर रही है। आज पूरे हिंदुस्तान विश्वास किया अपने ऊपर, हिंदुस्तान को स्वस्थ करने की जिम्मेवारी अपने कंधे पर उठा ली, जिम्मेवारी उठा ली। जब इन्होंने जिम्मेवारी उठा ली तो हम जैसे लोग इनको मिल गए और हम सब मिलकर इस कारोबार को बढ़ाते जा रहे हैं और हिंदुस्तान को शुगर मुक्त, ब्लड प्रेशर मुक्त, कैंसर मुक्त बनाने के लिए हम लोग गामा ओरिजिनल को लेकर काम कर रहे हैं।
आज प्रियंका मैम भरोसा की, विश्वास की, मैं कर सकती हूँ, मैं करवा सकती हूँ, मैं दिखा सकती हूँ, मैं दिख सकती हूँ, यदि ये किया और इनकी स्क्रीन पे फोटो आ रही है तो आपका क्यों नहीं। कल्याणी मैम, जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की, मैं बैंक में नौकरी करता था, कल्याणी आरसी में स्टार्ट की थी, मैं बैंक की नौकरी कर रहा था, पैसा नहीं उतना कमा पा रहे थे, तो मैं नर्सिंग होम में स्टार्ट किया, जितना चाहिए उतना नहीं कमा रहे थे, मैंने मेडिकल स्टोर का काम किया, जितना चाहिए था नहीं आ रहा था, मैं मेडिकल का होलसेल काम कर रहा था, मतलब पैसा कमाने के लिए जिंदगी में को जानवर से भी बदतर कर लिया। और उस समय में परमात्मा ने आरसीएम दिया, कल्याणी ने स्टार्ट की, और आरसीएम से पहले मैं कल्याणी को कभी मुस्कुराते देखती ही नहीं थी, क्योंकि मैं, मेरे पास समय नहीं था, मुझे पैसा का नशा लगा था, पैसा कमाने के पीछे मैं पागल रहता था। और इसने आरसीएम को शुरुआत कर दी। बहुत सारी बहन है नई नई शुरुआत के, इस मैसेज को ध्यान से समझना। आप आरसीएम कर रहे हैं, आपके पति को आरसीएम नहीं पता है, आप भाई साहब आप आरसीएम कर रहे हैं, आपकी पत्नी को आरसीएम नहीं पता है, तो जिनको नहीं पता है उनके लिए आरसीएम जीरो है, आपके लिए आरसीएम बहुत अच्छी है। कल्याणी को पता था आरसीएम, मेरे को पता नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि कल्याणी बोलती थी कि मेरा आरसीएम के ही सामान मेरे घर में आएंगे, और आरसीएम के सामान आने से इसके चेहरे पर खुशियां रहती थी, तो मैं अपना काम को छोड़ के रांची जाके सामान लाके देते, और जब रास्ते में आते थे तो कुछ ना कोई निगेटिव लोग मिल ही जाता था। पंकज भाई कहाँ गए थे, हम बोलते तो भाई ट्रेन कहाँ गई थी, बोलता रांची, तो रांची से आ रहे हैं, क्या लेके क्यों गए थे, हमने चाय पत्ती खरीदने गए थे, ऐसा क्या चाय है जो रांची में मिलता है बोकारो में नहीं मिलता है, हमने इस चाय को पीने से पैसा मिलता है, कितना मिलता है, हमने 100 रुपए की चाय है 10 रुपए मिलता है। बोला पंकज भाई पढ़ लिख के बैंक में नौकरी करते हो या वैसे नौकरी करते हो, 100 रुपया की चाय खरीदने के लिए 150 रुपया का भाड़ा खर्चा कर दिया, 10 रुपया के लिए पढ़े लिखे हो। जब कई लोग आपको ऐसे मिलते हैं ना तो आपके मन निगेटिव हो जाता है, और वो निगेटिव जब वो करता था तो हम इंसान हम अपने कमजोर पे टूट पड़ते हैं। हर पति पत्नी पे टूट पड़ता है, पत्नी पति के ऊपर टूट पड़ता है। और यहाँ पे मैं हाथ जोड़ के जितने भी बहन है या जितने भी भाई है, मैं आपको कहना चाहता हूं, उस समय कल्याणी का रोल बहुत अच्छा होता था। जब मैं गुस्सा में होता था, घर में आते ही मैं चाय की थैली फेंकता था और बोलता तेरा दिमाग खराब है, तेरा दिमाग खराब होने के कारण से मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है, मेरा गुडविल खराब हो रहा है बाजार में, लोग मुझे मेरे बारे में क्या क्या बोलते हैं जानती हूँ, आप अनपढ़ है, गवार है, 10 रुपया कमाने के लिए 150 रुपया भाड़ा खर्चा कर दिए आप। लेकिन मैं जब गुस्सा होता था तो कल्याणी बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेती थी, और वो मुस्कुरा के बोलती थी चाय पीजिए, पानी पीजिए, आप यहाँ पर सीखिए। जितनी बहन बहन है, आपके हस्बैंड नहीं समझ रहे, मैं नहीं समझ रहा था उस समय, यदि कल्याणी, मैं गर्म था और कल्याणी भी गर्म होती तो शायद उसी दिन आरसीएम का प्राण निकल जाता मेरे घर से। कल्याणी ने बड़ी मुस्कुरा के मुझे माता सहलाती थी, पानी पिलाती थी, चाय पिलाती थी। जब सारा वातावरण नॉर्मल हो जाता था उस समय कल्याणी बोलती थी एक बात बताओ, गुस्सा तो नहीं करेंगे, बोले बताओ, मैंने कहीं सुना है कि भगवान सारा दिमाग मर्द को दिया है, मुस्कुरा के बोलती थी सारा दिमाग मर्द को दिया है, हम औरत को दिमाग तो नहीं दिया है, हम औरत को दिल दिया है। बोले ऐसा क्यों बोलती हो, बोले सारा दिमाग तो आपके पास है, 15 साल की पढ़ाई किए, 15 से 20 लाख रुपया खर्चा किए, 15,000 के नौकरी करते हैं, दिमाग तो आपके पास है ना, और हम आरसीएम करते हैं, 10 रुपया कमाने के लिए 150 रुपया खर्चा किए, आरसीएम से हमको प्यार हो गया, आरसीएम की चाय पत्ती के बिना हमको दूसरा चाय अच्छा नहीं लगता, आरसीएम के साबुन के बिना दूसरा साबुन अच्छा नहीं लगता, मुझे मेरा दिल कहता है कि आरसीएम का सामान यूज करना चाहिए, आरसीएम के मसाला यूज करना चाहिए, मेरा दिल कहता है। अरे 5 साल मेरे दिल की बात तो समझिए, सुनिए, आरसीएम दे नहीं दे क्या फर्क पड़ता है, 5 साल तो मेरी बात को मानिए। और मैं आप सारे बहनों को बोलना चाहता हूँ, सारे भाइयों को बोलना चाहता हूँ, जितने भी नए साथी हैं आपको बोलना चाहता हूँ, 5 साल की बात नहीं करता हूँ, 1 साल दिल का सुनिए, अपने दिल का सुनिए, आरसीएम का प्रोडक्ट 100% व्यवहार करिए, कंसिस्टेंसी में आइए। और कल्याणी ये बात जब बोलती थी तो मेरे को मुस्कुराहट आ जाती थी, हाँ बात तो सही बोलती हो, 15 साल मैंने पढ़ाई के समय खराब किया, 10 से 15 लाख रुपया खर्चा किया,
12-13 हजार रुपया बैंक मुझे देता है, बात तो सही बोल दिया है, हमारे पास तो दिमाग है कि मैं हमारी दिल की बात को सुनता हूँ। और दिल की बात को सुना, 7 महीने आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करने से 527 रुपया आया, और लगातार आरसीएम बिजनेस को 7 महीने के बाद दिल से हम मियां बीबी काम को करना शुरू किए। और बार बार गुरुदेव ऋषि सर बोलते थे, जो करेगा कपल इस बिजनेस में जल्दी हो जाएगा सफल, जो करेगा कपल वो जल्दी होगा सफल। तो इस बात को हम दोनों समझ गए और हम दोनों मिलकर आरसीएम करने लगे। और 17 साल के सफर में आरसीएम का फाउंडर स्टार रूबी हूँ। 1 महीना में कल्याणी और मेरी, मेरे पिताजी, मेरी बेटी, सारे लोगों का 1 महीने की इनकम मिला के हाईएस्ट इनकम मेरे घर में 1 महीना में 5,16,000 रुपया आई है। एवरेज इनकम की बात करें तो लगभग 3.5 लाख रुपया से लेकर 4 लाख रुपया हर महीने एवरेज इनकम रहती है। टोटल इनकम की बात करें आरसीएम से तो लगभग 7 करोड़ से ज्यादा मेरे को आरसीएम ने दिया है। दिमाग से क्या होगा तो शायद नहीं होता, दिल से क्या इसीलिए हुआ। तो आज मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आज कल्याणी यदि इस जगह पे है, नेशनल लीडर के रूप में यदि आ रही है, तो इन्होंने अपने ऊपर विश्वास किया। आज क्षमा याचना जी, आज आप इनके टीम में है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन आज हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए क्षमा याचना जी आज पूरी व्यवस्था देखती है, एक एक भाई एक एक बहन को फोन करती है इस मीटिंग के संचालन के लिए। आज इनको भरोसा है अपने ऊपर, इसीलिए ये आगे बढ़ रही हैं। ये सरोजिनी बहन पूरे दिलो जान से इस बिजनेस पे काम कर रही हैं। आज इनके लिए आज स्क्रीन पे ये आ रही है। आज संध्या बहन, आज भरोसा है, विश्वास है, इसीलिए आज इमरान, स्टार इमरान, रूबी जैसे बड़े लेवल पे हैं। और बहुत सारी बहन का मैंने फोटो नहीं सेट कर पाया, टाइम की कमी थी, जैसे चंद्रा बहन है हमारी, नूतन राठी जी है, नूतन जी साहेबगंज से हैं, पुष्पा रानी जी है, संजीता है, मधुसूदी है, आज ऐसे ऐसे दीदी है, ऐसे ऐसे बहन, ऐसी ऐसी बेटियां हैं जो आज दिलो जान से इस बिजनेस को कर रही है। पूजा ब्रिक है, रजन साहू जी है, जमीला बेग है, पूजा मोरिया जी है, ये लोग इतनी विश्वास के साथ, इतना भरोसा के साथ, इतना कमिटमेंट के साथ आज बिजनेस को करती है कि दुनिया की कोई ताकत, यदि इनके साथ आप लगे हुए हैं, इन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। बशर्ते इनकी बातों के ऊपर विश्वास रखिए, इनके भरोसा के ऊपर भरोसा करना सीखिए। यदि इनके भरोसा पे आप खड़े उतर गए तो आने वाला 2 महीना 4 महीना 6 महीना 1 साल के बाद आपके घर से गरीबी के भूत भागेगी और आपके घर में अमीरी आएगी। देखिए आरसीएम का उद्देश्य को समझिए, आरसीएम का पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही आपका धन है। यदि आप चाहते हैं कि अपने बुढ़ारी इस तरीके से कटे, एक दिन हम लोग आज जवान है बूढ़े होंगे, देखिए गुरुदेव ऋषि सर को देखिए, गुरुदेव ऋषि सर जब बोकारो आए थे तो बोले थे पंकज जी मैं आपके वेट में आऊंगा। और अब गुरुदेव को देखने के बाद मुझे खुद शर्म लगता है कि आज हमारे बाबूजी की उम्र से ज्यादा की उम्र के आज सर के चेहरे पर क्या ग्लैमर है, क्या ग्लेज है, क्या चमक है। कौन बोल सकता है कि सर का उम्र 70-75 साल हो गया। इस प्रकार की यदि जीवन चाहिए आपको तो सर अपने पास धामा ओरिजिनल एक प्रोडक्ट है, न्यूट्रीसार्ज की एक प्रोडक्ट है, इसको अपने खाने के साथ ऐड करिए। एक धामा ओरिजिनल खाने से पहले और न्यूट्रीसार्ज खाने के बाद यदि आप लेते हैं तो आपके शरीर में जितनी भी पोषण चाहिए, जितने भी आहार चाहिए आपको मिल जाता है। इसका प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, जिस ट्रेनिंग को आप अटेंड करें इससे आपको आपको आगे सीखने को मिलेगा। यदि ऐसा लाइफ, यदि ऐसा नहीं करते हैं, यदि आप धामा ओरिजिनल नहीं लेते हैं, न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, तो आज हिंदुस्तान की जो समस्या है इसको देखिए, घर घर में ब्लड प्रेशर, घर घर में शुगर, गुरुदेव डाटा दिखाते रहते, मैं डाटा नहीं दिखाऊंगा, टाइम नहीं है अपने पास, थायराइड, हार्ट का बीमारी, इस सारे चीज का एक समाधान है धामा ओरिजिनल। 6 डब्बा एक साथ लीजिए, यदि ये बीमारी आ चुकी है तो 2 कैप्सूल सुबह 2 कैप्सूल शाम, 3 महीना के बाद ये रिजल्ट देगा आपको। यदि आपको बीमारी नहीं है और ये बीमारी से बचना चाहते हैं तो खाने से पहले 1 कैप्सूल सुबह 1 कैप्सूल रात में, खाने से पहले इसको लीजिए, ये बीमारी नहीं आएगी। यदि ये बीमारी दस्तक डाल दिया है तो 2 सुबह 2 शाम लगातार दिए, 6 डब्बा एक साथ में खरीदिए। और 6 डब्बा लेने वाले को गुरुदेव ऋषि सर बोलते हैं हैप्पी कस्टमर, खुशहाल कस्टमर। ये बीमारी क्यों आई है, ये बीमारी क्यों आई है, इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे हिंदुस्तान की बाजारी करण इस प्रकार से पुराना पद्धति से हम बाजार करते हैं। ये जो फोटो देख रहे हैं ये फोटो पंकज मिश्रा का ही है, जब मेरी शादी हुई थी, शादी की तस्वीर है। आपको ये जवान दिखता है या बूढ़ा दिखता है आप डिसाइड करिए। मैं कस्टमर था, यहां से सामान खरीदते थे,
किसी कंपनी से, पढ़े लिखे तो थे लेकिन हमारे पास कॉमन सेंस नहीं था, हम वही प्रोडक्ट खरीदते थे जो इन भाई साहब लोगों ने प्रचार करते थे। और इस प्रचार करने से क्या होता था, मैं 100 खर्चा करता था कंपनी में 50 जाता था, मैं 1000 खर्चा करता था 5000 कंपनी में जाती थी, और इस प्रकार से हम सामान लेते थे। आज हिंदुस्तान में बाबा रामदेव जी बोलते हैं हिंदुस्तान में मूर्ख आदमी मूर्ख नहीं है, हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोग ज्यादा मूर्ख है। मैं नहीं बोलता, रामदेव जी बोलते हैं पढ़े लिखे लोग मूर्ख है। ब्रांड पे हम जाते हैं, अरे ब्रांड पे ज्यादा जाएंगे तो बीमारी आएगी, यदि बीमारी से बचना है तो ब्रांड को त्यागिए। इस तरीके से खरीदारी करते हैं, यहां इसका सामान यदि आपके घर में आता है तो ये इस तरीके से सामान खरीदने से आपके घर में गरीबी का भूत आती है, गरीबी की भूत आती है। ये जो पंकज मिश्रा आपको दिखाई दे रहा है, ये बुढ़ा गरीब चुपटा हुआ आम, ये मैं अपनी 7-8 पीढ़ी ऊपर जाके देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि मेरे दादाजी के जो दादाजी थे वो राजा महाराजा थे, 1000 एकड़ जमीन के मालिक थे। लेकिन ये जो तस्वीर दिखाई देता है ना, 100-150-200 साल में भिकमंगा बन गया। क्यों? क्योंकि इस तरीके से सामान मेरे घर में आता। जिनके भी घर में इस तरीके से माल आता है उनका गरीब बनना सुनिश्चित है। दुनिया की कोई ताकत उनको गरीब बनने से नहीं रोक सकते। ये गरीब भी बनेंगे और इनके घर में बीमारी भी आएंगे, क्योंकि बीच वाले के कारण ही बाजार में इस प्रकार से मिलावटी होती है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे इसमें फैक्ट भंडाफोड़ हो रहा है, पेपर पा रहा है। और इस तरीके से हिंदुस्तान में 65,00,000 करोड़ का माल हर महीने बिक्री हो रही है। इतनी बड़ी बाजार, बाजार में डुप्लीकेट कर रहा है, इतना बड़ा बाजार से लोग बीमार हो रहा है, इतना बड़ा बाजार से लोग जो है सो गरीब होते जा रहे हैं। बस इस बाजार को हमें तोड़ना है और हिंदुस्तान को अमीर और समृद्ध बनाना है, स्वस्थ बनाना है। इसका एक ही तरीका है, स्वस्थ और अमीर बनने का तरीका। हिंदुस्तान के बहुत बड़ी कंपनी फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सीधा अपनी दुकान खोलती है, अपना माल बनाती है और सीधा यहाँ से खरीदते हैं। पहले जो तस्वीर देखे थे तो वो भी पंकज मिश्रा, आज देख रहे हैं वो भी पंकज मिश्रा। पहले शादी के समय का फोटो था, ये आज का फोटो है। आप देख लीजिए कहाँ का सामान खाना चाहिए। आरसीएम का सामान लेने से आप अमीर बनते हैं, आप स्वस्थ बनते हैं, और पहले सामान लेने से आप गरीब बनते हैं। ये डिसीजन आपका, क्योंकि 100 खर्चा किया 100 कंपनी में गया, 1000 खर्चा किया 1000 गया, 10,000 खर्चा किए। इसमें क्या होता है कि आपको 22% का परफॉर्मेंस बोनस मिल जाती है, 8% का रॉयल्टी मिलती है, 5% का टेक्निकल बोनस मिलती है। और संग संग अभी जो अपग्रेडेड प्लान जो आई है, इस प्लान में तो शानदार आई है। जल्दी से जल्दी आप ओपनर लेवल पे आ जाइए, और ओपनर लेवल पे आने के बाद गुरुदेव बीसी सर अपने कोर्ट पे सामान आरसीएम के लेके भिलवाड़ा में नहाते हैं। उस वो जो नहाते हैं और कंपनी का जो टर्नओवर बढ़ाते हैं, उस टर्नओवर से भी अपने घर में पैसा आ सकता है। ये तो पहली बार सुना हूं कि पूरी कंपनी के टर्नओवर से पैसा, पहले तो अपनी टीम से पैसा आता था। इसके लिए आपको जल्दी से जल्दी वाइटल ओपनर पे आना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कंपनी हमें डायरेक्ट सामान खरीदने से हमें फायदा मिलती है। दैनिक उपयोगी का सामान हमारे आसपास है, स्वास्थ्यवर्धक भी है, अच्छे प्रोडक्ट भी है, अच्छी गुणवत्ता की है, और वाजिब कीमत पे हमारा सामान मिल। आरसीएम में करना क्या है सर? आरसीएम में करना है पहला चीज यूज द प्रोडक्ट, पहला यूज द प्रोडक्ट, इसको लिख लीजिए डायरी पे, मोटा अक्षर से लिखिए सर, माथा पर लिख लीजिए सर। इसके बिना तो आरसीएम चल ही नहीं सकता। यदि आप इस काम को नहीं करते हैं तो आपका टीम में भी ये काम नहीं हो रहा है, यदि इस काम को आप करें तो आपके टीम में भी ये काम हो रहा है। बढ़िया तरीके से आप इस काम को करिए, यूज द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट करते ही आपके घर से बीमारी जाएगी। 6 महीना रेगुलर अपने आप को तैयार करिए सर प्रोडक्ट यूज करने का। ये कोई काम नहीं है, ये एक आदत है। हमारे अंदर जो ब्रांड की भूत लगी ना, इस भूत को भगाइए। यूज द प्रोडक्ट मतलब आपके घर में आरसीएम का प्रोडक्ट गया, इसका मतलब आपके घर से शनि महाराज आस्ते आस्ते निकलेंगे और बुद्ध महाराज का जो है सो वास होना शुरू हो जाएगा। यदि कहा जाता है जब किसी को भूत लग जाता है, जब दिन खराब हो जाता है तो लोग पामिस्ट के पास जाते हैं या कोई तांत्रिक के पास जाते हैं तो जंत्र देता है। आरसीएम का प्रोडक्ट जो है ना, ये जंत्र है भूत को भगाने का, गरीबी की भूत भगाने का। अपने घर में 8 से 10 हजार का प्रोडक्ट एनी टाइम रहना चाहिए ताकि आपके घर में 100% प्रोडक्ट यूज हो सके। दूसरा जो काम है सर, प्रमोट द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट। यदि इस बिजनेस को आप सीखना चाहते हैं, 3 से 4 साल में आप गरीबी से निकल के अमीर बनना चाहते हैं, आप भी स्क्रीन पे आना चाहते हैं, तो आपको प्रमोट द प्रोडक्ट को सीखना पड़ेगा। और इसको सीखने के लिए इसी चैनल के ऊपर में मैं कई दिन देखा हूं
नूतन बहन को हर दिन मीटिंग के लास्ट में एक प्रोडक्ट का डेमो सिखा देती है। आप 8 बजे रात में यूनिक एजुकेशन के चैनल पे, किसी दिन गामा की ट्रेनिंग होती है, किसी दिन हरित संजीवनी की होती है, किसी दिन गुड डॉट की होती है, किसी दिन न्यूट्रीचार्ज की होती है, किसी दिन ऑथेंजा की होती है, किसी दिन और प्रोडक्ट की होती है। आप यदि इसको सीखना चाहते हैं तो रात के 8 बजे आप उस मीटिंग में बैठिए और प्रोडक्ट का नोट बनाइए। गुरुदेव बोलते हैं जिस मीटिंग में जो जितना नोट बनाएगा 5 साल के बाद उतना ही बड़ा नोट कमाएगा। तो नोट बनाइए। देखिए आज भी मीटिंग में बहुत सारे लोग बैठे हैं लेकिन हम सुन रहे हैं। आपको लगता है सुनने से हो जाएगा? अरे सुनने से हो जाता तो इतने साल तक आप कॉलेज में पढ़े, इतने साल तक आप स्कूल में पढ़े, तो आप IAS क्यों नहीं बन गए? अरे सुनने से नहीं, लिखने से होगा। नोट बनाइए, हर दिन का नोट लीजिए। तो प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, प्रमोट मतलब होम मीटिंग को सीखना है, प्रोडक्ट का डेमो सीखना है, कैलकुलेशन सीखना है। ये कैसे होगा मैं आगे की स्लाइड में आपके साथ शेयर करूं। और तीसरा सबसे प्रमुख काम, बिल्ड द नेटवर्क बनाइए। जैसे डॉक्टर का काम है पेशेंट देखना, हलवाई का काम है मिठाई बनाना, एक मास्टर टीचर का काम है पढ़ाना, उसी तरीके से यदि हम RCM बिजनेस कर रहे हैं, यदि हमें रॉयल्टी चाहिए, हमें टेक्निकल चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें बंगला चाहिए, हमें नाम चाहिए, हमें इज्जत चाहिए, हमें शोहरत चाहिए, तो बिना नेटवर्क का नहीं होगा। नेटवर्क बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक चीज करना चाहता हूँ, 100% प्रोडक्ट यूज। यदि 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं या करवाते हैं तो ये कंसिस्टेंट। इसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, समय थोड़ा शॉर्ट कर जाएगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने सीनियर के साथ बात करिए। इसी के अंदर में डबल धमाल है, किशोर पे डबल धमाल चल रही है, गामा के ऊपर डबल धमाल चल रही है, न्यूट्रीचार्ज पे डबल धमाल चल रही है। साथ साथ यदि आप सेकेंड जो दूसरा काम है प्रमोट द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट मतलब आपका डायमंड क्लब होगा, सुपर डायमंड क्लब होगा, क्राउन क्लब होगा, तो उससे आपको कैश अवार्ड मिलेगा कंसिस्टेंसी के माध्यम से। ये सिर्फ RCM से करेंगे तो ही आएगा, लेकिन इस कैश अवार्ड में और ज्यादा कमाना चाहते हैं तो RCM और न्यूट्रीचार्ज मिलकर डबल कैश अवार्ड का ऑफर चला रही है। ये ऑफर 31 मार्च को क्लोज हो जाएगी। डबल धमाल, प्लान तो चलती रहेगी प्रोडक्ट फ्री, लेकिन क्या जो एक्स्ट्रा धमाल है ये बंद हो जाएगी। इसलिए इस महीना में ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप कंसिस्टेंसी में ले जाइए, क्योंकि इस महीना में यदि कोई आदमी कंसिस्टेंसी में आता है तो वो दोबारा इसका लाभ ले सकता है, दो बार ले सकता है लाभ, क्योंकि 6 महीना के बाद फिर एंट्री ले सकता है, तो यह भी मौका है। तो यहां पर आप तैयार। तीसरा जो मैंने बात किया, बिल्ड द नेटवर्क। नेटवर्क बनाने से ही आप अमीर बनेंगे। देखिए एक व्यक्ति KFC है, इसका काम क्या है? चिकन बेचना। आपके आस पड़ोस में भी लोग चिकन बेचते हैं, क्या वो अमीर है? नहीं होंगे अमीर, लेकिन ये अमीर है। क्यों है? क्योंकि ये चिकन बनाने का इन्होंने अपना नीचे एक टीम बनाया है, एक नेटवर्क बनाया है। लेकिन ये जो KFC वाले जो नेटवर्क बनाया है, ये जो नीचे वाले तो बेचने वाले करोड़ों रुपया लगाया है फ्रेंचाइजी लेने के लिए, लेकिन ये अपने जैसे किसी को फ्रेंचाइजी दे नहीं सकता। ये शटर उठाएंगे तो कमाएंगे, नहीं उठाएंगे तो नहीं कमाएंगे। ये बाटा वाले, इन्होंने अपने नीचे एक नेटवर्क बनाया है। इन्होंने कलकत्ता, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, भीलवाड़ा, राजस्थान, हर राज्य में अपनी स्टोर खुलवाया। जिन्होंने इसका एजेंसी लिया, 20 साल में आंख में चश्मा लग गया, पेट बड़ा हो गया, माथा से केस उड़ गया, ब्लड प्रेशर आ गया, शुगर आ गया। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे बड़े हो गए, उनके पास समय नहीं है। सटर अप तो पैसा आएगा, सटर अप नहीं तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन बाटा, जिन्होंने फ्रेंचाइजी देना शुरू किया, जिनका नेटवर्क बन गया, आज वो है या नहीं है उनका सिस्टम चल रहा है। देखिए एक व्यक्ति बाबा रामदेव जी, पतंजलि का स्थापना किए, लेकिन पतंजलि की स्थापना से पहले बाबा रामदेव जी दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बोले, अरे भाई सांस तो तुम लेते ही हो, लेकिन सांस लेने का एक नया तरीका है कि एक नाक बंद करो, एक नाक से लो, दूसरे नाक से छोड़ दो, जिससे छोड़ दिया फिर ले लो, दूसरे से छोड़ दो, सांस ही लेना है, लेकिन मैं जो तरीका बताता हूं उस तरीका से तुम ले लो तो तू स्वस्थ हो जाएगा। इन्होंने अपने आप को ब्रांडिंग किया, इन्होंने होम मीटिंग किया, इन्होंने जूम मीटिंग किया, इन्होंने गांव गांव शहर शहर जाकर मीटिंग किया। जब बाबा का नाम हुआ तो बाबा पतंजलि कंपनी बनाए और बाबा घूम घूम के लाखों लाख करोड़ रुपया लेकर के फ्रेंचाइजी देना शुरू किया।
जिसने बाबा रामदेव जी का फ्रेंचाइजी लिया उनकी उनका पेट चल रहा है, लेकिन पतंजलि कॉर्पोरेट बन गया क्योंकि इनके पास नेटवर्क है। इंडियन ऑयल लाखों करोड़ों रुपया लगा के आप फ्रेंचाइजी लेंगे, यहाँ तो आपका पेट चलेगा, आपका सिर्फ जीवन चलेगा, लेकिन इंडियन ऑयल अमीर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक नेटवर्क है। यदि आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो आपको भी ये फॉर्मूला को समझना पड़ेगा। ये अमीर क्यों बन गए? क्योंकि इनके पास जैसे नीचे नेटवर्क आया, इनके पास टाइम आ गया, समय हो गया, और जिनके पास जितना ज्यादा समय उनके पास उतना ज्यादा पैसा। सिंपल सी बात है। तो आपको भी इसीलिए आरसीएम में सीनियर बोलते हैं बिल्ड द नेटवर्क, अपने जो टीम बनाइए। आप जैसे पतंजलि वाले क्या बोले, सांस लेने का नया तरीका, खरीदारी का नया तरीका, सामान तो खरीदना आपकी मजबूरी है, ऐसे सामान खरीदेंगे, अच्छा सामान मिलेगा, 6 महीने के बाद सामान प्रोडक्ट मिलेगा, उसको डेमो करके बता दीजिए, उनको ज्वाइन कराइए, कंसिस्टेंसी में लेके आइए, आपका नाम होता जाएगा, आपका ये होता जाएगा, आप आगे बढ़ेंगे। लास्ट स्लाइड में आ रहा हूं, ये फोटो लक्ष्मी माता जी की है। कितने लोग चाहते हैं कि लक्ष्मी माँ आपके ऊपर प्रसन्न है, हाथ खड़ा करके बताए। कितने लोग चाहते हैं कि आपके ऊपर लक्ष्मी माँ प्रसन्न है, हाथ खड़ा करके बताए, ऐसे करके हाथ संबोधित करिए कैमरा के सामने। जी वेरी गुड, वेरी गुड। सब लोग चाहते हैं कि लक्ष्मी माँ मेरे ऊपर प्रसन्न दिल। अब इस बात को समझिए, मैंने गुरुदेव सर से मैंने सुना था, आप चाहते हैं कि आपके ऊपर माँ सरस्वती खुश हो, तो इसके लिए आप इसको समझिए, ये इनकी जो पांव के पास में जो है ना, ये उल्लू है। माँ लक्ष्मी जी को उल्लू ही पसंद आया। क्यों? क्योंकि जब भी ये उल्लू उड़ान लेती है, जब भी अपने घोंसला से उड़ती है, तो इसका एक लक्ष्य होता है, इसका एक टारगेट होता है। लक्ष्मी का मतलब होता है लक्ष्य, लक्ष्य जोर मी, लक्ष्य मतलब टारगेट, मी मतलब मेरा, जो टारगेट लेके काम करता है उसी के ऊपर माँ प्रसन्न होती है। और जब मैया प्रसन्न होती है तो आपके बैंक बैलेंस बढ़ जाते हैं, आपके सपनों वाली घर मिल जाता है, आपके पास शानदार गाड़ी हो जाते हैं, शानदार शोहरत हो जाता है। तो सारे साथियों से कहना चाहता हूं, यदि आप आपके बिजनेस में आ चुके हैं और आप बिगिनर पे हैं, आप स्टार्टर पे हैं, आप ओपनर पे हैं, आप ईगल पे हैं, तो आप भी आरसीएम में एक लक्ष्य बनाइए, कंसिस्टेंसी को सीखिए, प्रोडक्ट को सीखिए, गामा को सीखिए, आप हेल्थ न्यूट्रीचार को सीखिए, और सीख के टारगेट बनाइए, और टारगेट ये बनाइए, एक लक्ष्य लीजिए कि मुझे बनना है डायमंड, मुझे बनना है डायमंड। क्यों बनना है डायमंड? रीजन है डायमंड बनने का कि डायमंड पे आने के बाद 25 लाख रुपए महीने की इनकम आती है, 25 लाख की इनकम आती है। और डायमंड बनाने वाले गुरुदेव बीसी सर का हाथ हम सबके माथे पे है, तो फिर डरने की क्या बात है? जिन्होंने भरोसा किया वो डायमंड बन गए, हम सब भी भरोसा करेंगे गुरुदेव बीसी सर पे तो हम सब भी डायमंड बनेंगे। तो ये एक लक्ष्य बनाइए कि मुझे बनना है डायमंड, और डायमंड तभी आप बन सकते हैं जब आप, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है इसको लिखिएगा, डेली गोल सेटिंग करिए। आप क्या कर रहे हैं आज, आज आपका क्या रोल है सुबह से, आप चेक करिए, लिखित नहीं है आपके पास, लिखिए आज का गोल मेरा क्या है, कल आप सुबह क्या करने वाले, एक दिन में क्या काम करते हैं, सो द प्लान, कितने लोगों को करना है लिखिए, 5 लोगों को करना है डेली, 1 आदमी को करना है डेली, 2 आदमी को करना है डेली। यदि डायमंड बनना है तो प्लान दिखाने से 20% रिजल्ट आते हैं। क्यों? क्योंकि प्लान को सीखना पड़ता है, हकलाएंगे, भकलाएंगे, तुतलाएंगे, डरेंगे, ये होता है, 20% रिजल्ट आएगा। जिनको प्लान दिखाए उनको फॉलोअप करिए, फॉलोअप करने से 80% रिजल्ट आता है। कितने लोगों को फॉलोअप करेंगे लिखिए, लिखिए यहाँ पर। तीसरा नाम, कॉन्टेक्ट मिनिमम न्यू 5%। यदि आप बिगिनर पे हैं, स्टार्टर पे हैं, तो आप लोगों से समय लीजिए, कम से कम 5 लोगों से डेली बात करके उनके घर पे अपॉइंटमेंट लेके जाइए। और जब भी जाइए तो प्रोडक्ट को सामने रखिए, गाम ऑर्डर को सामने रखिए, लिप्टीदास को सामने रखिए, हरी संजीवनी को सामने रखिए, गुड डॉट को सामने रखिए। पहले प्लान मत रखिए सामने, प्रोडक्ट को सामने रखिए, आधा सवाल का जवाब प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रखिए, 5 लोगों से समय लेके उनके पास जाइए। दो चीज होगा, कल्याणी बोलती है घर से निकलोगे दो चीज होगा, या तो बिकेगा या तो जुड़ेगा, दो काम में से एक होगा, लेकिन घर में रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा।
तो ये इसके लिए आपको डेली का गोल होना चाहिए कि हमें डेली कितने लोगों से मिलना चाहिए। यदि आप ओपनर से ऊपर के लोग हैं तो कम से कम 10 लोगों से आपको, पुराने साथियों से, नए साथी से मिनिमम 10 लोगों से आपको बात करना चाहिए। ये डेली गोल होना चाहिए, लिखना लिख के होना चाहिए, डायरी पर लिखा होना चाहिए आपको ये गोल। कॉन्टेक्ट योर एसोसिएट वायर योर डाउनलाइन थ्रॉट परचेज लिस्ट। अपने डाउनलाइन के घर में जाके, आप रॉयल्टी अचीवर है, आपके नीचे जो ओपनर से नीचे के लोग हैं, यदि ओपनर को आप ग्रोथ कराना चाहते हैं, कंपनी के 2% का ईयरली बोनस का हिस्सा देना चाहते हैं, आप यदि रॉयल्टी अचीवर 1 साल के अंदर में कार लेना चाहते हैं, तो आप अपने वाइटल अचीवर के घर में एक एक वाइटल के डाउनलाइन में योर परचेज लिस्ट है साइट पे, क्रोम से खोलिए आरसीएम की और परचेज डाटा निकाल के किनका क्या खरीदारी है आप ओपनर के पास जाकर उनको दिखाइए, आप ईगल के पास जाके दिखाइए, रनर के पास दिखाइए और सिखाइए उनको कि अपने डाउनलाइन से कैसे बात करेंगे, कैसे उनकी परचेजिंग को बढ़ाया जाएगा, इस चीज को सिखाइए। ये डेली गोल में होना चाहिए। कॉन्टेक्ट इफेक्टिव योर एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। अपलाइन के साथ आपकी 2-3 दिन पर काउंसलिंग जरूर होते रहना चाहिए। और चौथा चीज है क्लोजिंग। डेली गोल में होना चाहिए कि डेली मेरा आज का बिजनेस कितना होगा, आज हम कितना बिजनेस करने वाले हैं। यदि सुबह में आपको पता नहीं है कि मुझे आज कितना बिजनेस करना है तो आप मीटिंग के बाद सो जाओगे, लेकिन आपको पता है कि आज मुझे 10,000 का बिजनेस बढ़ाना है तो मीटिंग के बाद आपको नींद नहीं आएगा। यदि गोल नहीं तो आपका कोई रोल नहीं, यदि गोल नहीं तो आपका जीवन गोलमोल है। तो डेली क्लोजिंग करिए, डेली बिजनेस का क्लोजिंग करिए, डेली डाटा बनाइए, डेली लिखिए कि पिछले महीने के 3 तारीख को आपका बिजनेस कितना था, 1 महीना आप आगे आ गए, लिखा तो है ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि पिछले महीने में आप कितना काम किए, तो इस महीना में क्या काम करेंगे आप। डेली डायरी पे आपको मेंटेन होना चाहिए। आज मेरे को 4 साल पहले जून 3 जुलाई को मेरा बिजनेस कितना था मैं बता सकता हूं, मुझे पता है कि मैं 4 साल से मैं गिरा या उठा, लिखा हुआ डायरी पे। डेली क्लोजिंग करिए, ये डेली का गोल है। यदि इस काम को करेंगे तो आपको दिनचर्या मिल जाएगा, प्रत्येक दिन काम करने का आपको रास्ता मिल जाएगा। और लास्ट है मंथली गोल, महीना का गोल बनाइए, इस महीना में आप क्या करने वाले। फर्स्ट वीक डायमंड क्लब अपना कंप्लीट है, पहले सप्ताह हम अपने टीम में कितने लोगों को डायमंड क्लब कराएंगे इसको लिखिए। एवरी मंथ सेल्फ ज्वाइनिंग 3:1 रेशियो में आप अपनी टीम के सेल्फ ज्वाइनिंग करा के 75% ज्वाइनिंग अपनी बी लेग में लगाइए और 25% ज्वाइनिंग आप अपनी ए लेग में लगाइए। ये बहुत जरूरी होता है। मैक्सिमम आदमी इस बिजनेस में फेल इसलिए कर जाता है, वो एक लेग पे काम करता है। एक लेग पे काम करने वाला चूहा होता है और चूहा ज्यादा दूर तक नहीं जाता है। आप रॉयल्टी ले सकते हैं, आप पर्ल पे आ सकते हैं, आप स्टार रूबी नहीं बन सकते। आप यदि चाहते हैं कि घर में सब कुछ हो तो 3:1 रेशियो के ऊपर में आप ज्वाइनिंग पे आप काम करिए। क्लियर प्री डायमंड क्लब 2500 PV, नए साथी को सबसे पहले 100% प्रोडक्ट यूज कराने की आप टारगेट बनाइए। 1500 PV वाले को 2500 PV रहे, कंसिस्टेंसी में बदलाव आई है, आप अपने सीनियर से पता करिए आप कितने लोगों को करेंगे। क्लियर डायमंड क्लब 5000 PV, इस महीना में कितने लोगों को करना, मंथली गोल बनाइए आप। क्लियर कंसिस्टेंसी प्लान डिस्प्ले वॉल, इस महीना में कितने लोगों को आप कंसिस्टेंसी प्लान में 1500 में कितने लोगों को लाने वाले हैं, 2500 में कितने लोगों को लाने वाले हैं, 5000 में कितने लोगों को लाना है, आपकी डायरी पर लिखी होनी चाहिए। जब आपकी डायरी में लिखी होगी तब तो पता चलेगा कि हम हार गए या जीत गए। आप खेल रहे हैं, जिस फुटबॉल मैदान में आप खेल रहे हैं उस मैदान में गोल पोस्ट है ही नहीं, आप खेल नहीं पाओगे, आप थक जाओगे। लेकिन जैसे गोल पोस्ट बन गया आपको इस महीना में ये करना है, खेलने में मजा आपको आएगा। यू हैव टू अचीव नेक्स्ट पिन लेवल, आप अगला महीना में किस लेवल पे जाना चाहते हैं आप डायरी पे लिखिए और लिखने के बाद अपने अपलाइन के साथ में जाकर उनको बताइए, सर मैं इस महीना में, पिछले महीना ओपनर था, मैं सर इस महीना में ईगल जाने वाला हूँ, आप मेरे को बताओ मेरे को सर क्या क्या करना, आपके अपलाइन आपको बता देंगे। क्लोजिंग अप टू 25 एवरी मंथ, 25 तारीख को दिमाग को सेट करिए, 25 तारीख को क्लोजिंग करेंगे। 25 तारीख के बाद जो बिजनेस आता है ना वो डैम्प बिजनेस कहलाता है, ये गलत बिजनेस होता है। किसी को लेना है गामा ओरिजिनल, पिकअप सेंटर पे नहीं है, न्यूट्री चार्ज ले लिया। किसी को चाहिए आम का आचार, आप उसको दे दिए दूसरा आचार, प्रोडक्ट डैम्प करेगा। 25 तारीख को सेट करिए गोल दिमाग में कि 25 तारीख को हम मेजर क्लोजिंग करेंगे और 5 दिन टेंशन फ्री होकर के, जिनका जिनका स्लैब छूट रहा है
उनको उनको स्लैब कराएंगे तो आपका बिजनेस एवरी मंथ आपका ग्रोथ में जाएगा। यदि इस काम को आप करेंगे तो मुस्कुरा के बोलेंगे आप यस आई एम डायमंड। मुस्कुरा के बोलिए एक बार यस आई एम डायमंड। एक बार सारे लोग को अनम्यूट करके एक बार आप जितने को होस्ट है आप बोलिए यस आई एम डायमंड। Yes, I am diamond. नहीं रो सकता। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके।